तो मैं हूं आपका कहानी वाला, और आज की जो पहली कहानी है हमारी, उसका नाम है चलते हुए पेड़, यानी कि द वॉकिंग ट्रीज। तो दोस्तों, ये कहानी है काफी समय पहले की। एक गांव में सिर्फ दो ही वृक्ष बचे थे, और एक रात वहां पर बहुत जोर से तूफान आया। वहां की जो जमीन थी वो काफी रेतली थी, तो हर घर में रेत ही रेत हो गई। सुबह हुई तो सारे गांव वाले अपना अपना घर साफ करने लगे। जब घर साफ हुए तो समय था हर रोज की तरह ताश खेलने का। तो गांव का जो मुखिया था वो अपने दोस्तों को लेकर चल दिया उन पेड़ों की तरफ। अब जब वो गली के बिल्कुल कोने पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्हें दिखा बहुत हैरानीजनक था। उनको यकीन नहीं आ रहा था, उनकी आंखें जो थी वो खुली की खुली रह गई, और उनके मुंह भी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनके दो जो लौटे पेड़ थे वो वहां पर नहीं थे। वहां पर अगर कुछ बचा था तो सिर्फ मिट्टी में गड्ढे। तो हर बंदा वहां पर सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ये अनहोनी कैसे हुई। तो एक बोला, हो सकता है कोई चोर हमारे पेड़ उखाड़ के ले गया हो। तो दूसरा बोला, तू बामला हो गया है के, कैसे कोई ऐसे पेड़ उखाड़ के ले जाएगा। तो तीसरा बोला, हो सकता है तूफान उखाड़ के ले गया हो। तो चौथा बोला, लेकिन लेकर गया तो गया कहाँ। जो मुखिया था वो सबको सुन रहा था, लेकिन काफी चिंतित हो रहा था। और हो भी क्यों ना, वो इस गांव के दो लौते पेड़ थे। उन्हें नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दो साल बीत गए और उनके गांव में सूखा और अकाल पड़ गया। खाने को किसी के पास एक दाना तक नहीं था। हर कोई मुखिया के घर जाता कुछ अनाज के लिए। अब मुखिया के पास सबके लिए अनाज नहीं था, तो मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और बोला कि अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा, अब इस गांव की मिट्टी में हमारे लिए कुछ नहीं रहा। तो इसी घोषणा के बाद सारे गांव वाले इकट्ठे होकर गांव छोड़कर बंजारे बन गए। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, वहां पर काम करते, और बदले में उन्हें खाना मिलता। उन्हें आदत सी पड़ गई थी तंबुओं में सोने की। ऐसे ही दो साल और बीत गए, वो बिल्कुल बंजारे बन चुके थे। जो गांव का मुखिया था वो अब बंजारों का मुखिया बन गया। वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे कि रस्ते में उनकी नजर एक बहुत ही ज्यादा बड़े बाग पर पड़ी। हजारों ही हजारों पेड़ थे वहां पर, बाग बहुत बड़ा था। तो मुखिया ने सोचा कि क्यों ना बाग के मालिक से बात की जाए। तो मुखिया ने जाकर बाग के मालिक से बेनती की कि अगर वो इन सबको वहां पर रहने की इजाजत दे तो ये गांव वाले उसके लिए मुफ्त में काम करेंगे। तो बाग का जो मालिक था वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने कहा, ठीक है भाई, आप लोग यहाँ पे रहो और काम अच्छा करो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दो हफ्ते बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दिन दोपहर को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ये तो हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ये यहां कैसे आया। कोई चिल्ला रहा था, तो उसको चिल्लाता हुआ सुनकर सारे बंजारे इकट्ठे हो गए वहां पर। मुखिया जो था उसने उस लड़के से पूछा, क्यों चिल्ला रहा है। तो उसने कहा, मुखिया जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये पेड़ जो है ये तो हमारा पेड़ है। तो उसने कहा, तुझे कैसे पता। तो उसने अपनी उंगली करके दिखाया मुखिया को कि वो देखिए, मेरा नाम खुना हुआ है उस पे। तो मुखिया हैरान हो गया। तो उसने कहा, अगर ये वही पेड़ है तो ये यहां पर कैसे पहुंचा। इतने में बाग का मालिक वहां पर पहुंचा। उसने आकर पूछा, भाई क्यों चिल्ला रहे हो। तो मुखिया ने उसे बताया कि मालिक, ये पेड़ तो हमारे गांव का है, ये यहां पर कैसे पहुंचा। तो मालिक ने कहा, भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यहां पर सारे पेड़ मैंने खुद नहीं बोए, मैंने तो शुरुआत में कुछ पेड़ बोए थे, बाद में ये खुद ही उगने शुरू हो गए, तो मुझे नहीं पता।
तो ये सुनकर सब हैरान हो गए, तो ये पेड़ यहाँ पर आए तो आए कैसे। इतने में ही पेड़ बोल पड़ा, तुम जहरीले गांव वाले अभी तक नहीं सीखे। पेड़ को बोलता देखकर सब दंग रह गए, सब डर गए, सहम गए कि ये क्या हो गया, पेड़ कैसे बोल रहा है। तो सब पीछे हट गए। जो पेड़ था वो बोलता रहा, तुम गांव वालों ने लालच में आकर अपने गांव के सारे पेड़ काट दिए, सिर्फ दो ही पेड़ बचे थे, मैं और ये, और हमें डर था कि तुम हमें भी काट दोगे। तो एक रात हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस गांव से दूर चले जाएं। और भगवान ने हमारी जो प्रार्थना थी वो सुन ली, तो हम तुम्हारा गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए। जब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हजारों हमारे साथी हैं, तो हम यहाँ पर आके बैठ गए। और तब से लेकर अब तक हमने इस किसान को बहुत सारा फल दिया है, लेकिन तुम लोग जहरीले हो, तुम लोग लालची हो। पेड़ की इन बातों को सुनकर अब लोग जो थे वो डरे नहीं, शर्मिंदा हो गए। अब उन्हें पेड़ जो था वो एक चमत्कार लगने लगा, उसकी आवाज़ उन्हें भगवान की आवाज़ लगने लगी। तो जो मुखिया था वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा पेड़ से। उसने कहा कि पेड़ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है। हमें नहीं पता था कि हम जब पेड़ों की जड़ें काट रहे थे वो हम खुद की जड़ों को काट रहे थे। आप हमें बताइए कि हम अपनी गलती कैसे सुधार सकते हैं। तो जो दूसरा पेड़ था वो बोल पड़ा, इस बाग में जितने भी पेड़ हैं उन सब का बीज तुम अपने गांव लेकर जाओ, अपनी बंजर जमीन को जोतो, उनमें वो सारे के सारे बीज बो दो, और फिर तुम सब इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करो बारिश की। अगर बारिश हो गई तो तुम्हारी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जो गांव वाले थे उनके लिए पेड़ों के जो शब्द थे, पेड़ों की जो आवाज़ थी, वो भगवान की आवाज़ थी। उन्होंने वही किया जो पेड़ों ने उन्हें बताया। अपनी जो बंजर जमीन थी बड़ी मेहनत से उन्होंने जोती, और फिर जोतने के बाद उन्होंने सारे बीज जो थे बाग से वो बो दिए। दो दिन तक वो प्रार्थना करते रहे बारिश के लिए, बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो दो दिन बाद छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए वहाँ पर। उन पौधों को उगता देखकर गांव वालों में एक खुशी की लहर दौड़ उठी। और जो मुखिया था उस दिन उसने ये सोच लिया कि जो गांव का नाम होगा वो उसके नाम पर नहीं बल्कि पेड़ों के नाम पर होगा। तो उस दिन से उस गांव का नाम चलते हुए पेड़ों वाला गांव रख दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने क्या सीखा इस कहानी से, और आस करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हर शुक्रवार एक नई कहानी लेकर आऊँगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो घंटी भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।